सब्सक्राइब करें आदित्य मोटरबाइक चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को, जिससे आपको हमारे वीडियोस की न्यू अपडेट मिलती रहे। भाई लोग कैसे हो? तो आज मैं रिव्यू करूंगा बजाज पल्सर 220F का। इसके बारे में बताने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं ऐसे ही बाइक से रिलेटेड और स्कूटी से रिलेटेड आप लोग के लिए वीडियोस लाता रहता हूं। इसलिए आप मेरे नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर, जिससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आप सबसे पहले देख पाएँ। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर ही फॉलो करें, जिससे अगर आप कुछ क्वेश्चंस हैं तो वहाँ आपको इसके जल्दी रिप्लाईमेंट्स मिल जाएंगे। और आप इस वीडियो को पूरा देखें, हम आपको इसकी फुल डिटेल्स और फुल स्पेसिफिकेशन देते रहेंगे। लुक्स और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो बजाज ने 2009 में पल्सर 220F को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था, और तब से लेकर अब तक इसके लुक्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। और अगर यहीं इसकी बिल्ड क्वालिटी को देखा जाए तो आप इसके फ्रंट मास्क देख सकते हैं, वो आपको सेम ही फेयरिंग में मिलता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही बेस्ट है। उसमें जो मटेरियल जो यूज़ किया गया है फाइबर का, वो बहुत ही बेस्ट है। मेरे दोस्तों के पास भी पल्सर 220F है, वो उसको बहुत बार लेके गिर चुके हैं, लेकिन उसके जो मास्क है वो ज़्यादा डैमेज नहीं होता है, स्क्रैचेज आते हैं लेकिन मास्क को कुछ नहीं होता। तो ये एक अच्छी बात है भाई, मास्क आपको बहुत ही मजबूत मिलता है। बाइक हाइट के बारे में बात की जाए तो फ्रंट में आपको 17 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं, और रियर में भी आपको 17 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं, जिसके कारण बाइक का जो बैलेंस रहता है वो सेम ही रहता है। लेकिन यहाँ बात करें कि कितने हाइट तक का पर्सन इसको कंफर्टेबल राइड कर सकता है, तो अगर आपकी हाइट 5 फीट है या उससे ऊपर है तो आप इसको कंफर्टेबल राइड कर पाओगे, लेकिन अगर आपकी हाइट 5 फीट से कम है तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उसको राइड करने में। रियर लुक्स के बारे में बात की जाए तो रियर में आपको LED टेल लाइट मिलती है, और जो आपको फाइबर का जो मडगार्ड मिलता है वो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का मिलता है, वो काफ़ी मजबूत आपको मिलता है। अगर आपको पीछे से डैमेज करने की कोशिश करता है मडगार्ड को तो जल्दी से टूटते भी नहीं। और यहीं अगर इसकी फ्यूल कैपेसिटी के बारे में बात की जाए, इसमें आपको 50 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिलती है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी सफिशियंट है, और आप इसको कम से कम 500 किलोमीटर तक आसानी से राइड कर पाएंगे। फ्रंट लुक्स के बारे में बात की जाए तो फ्रंट में आपको कॉर्नर्स पर कैप्टन लाइट मिलती है, और इसमें आपको दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, जिसमें आपको हेलोजन लाइट मिलती है। और यहीं अगर इसके इंडिकेटर्स के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं, और जो फ्रंट सस्पेंशन आपको इसमें मिलता है वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। फ्रंट टायर और ब्रेक साइज के बारे में बात की जाए तो फ्रंट में आपको 260mm के डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, और इसमें आपको 9190 के टायर का साइज मिलता है, और इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में, तो बेसिस इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको इसमें देखने को मिलता है, जिसमें आपको सर्विस रिमाइंडर, रखकर इंजनल का वो इसमें आपको बता देता है, पास इंडिकेटर, लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स, न्यूट्रल का साइन इसमें आपको बता देता है, अगर आपका फ्यूल लो वो भी इसमें आपको बता देता है। और अगर बात करें इसके स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी के, स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। पास का स्विच, लो बीम, हाई बीम स्विच, लेफ्ट राइट इंडिकेटर स्विच, हॉर्न स्विच, जो आपको बेसिक से स्विच आपको हर बाइक में देखने को मिलते हैं वो इसमें भी आपको देखने को मिलता है, और इसमें आपको इंजन किल स्विच भी मिल जाता है, जिससे आप अपनी बाइक को डायरेक्टली ऑफ कर सकते हैं। कंपेयर करते हैं ओल्ड 220F को न्यू 220F से, तो इसमें आपको ग्राफिक्स में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओल्ड 220 में आपको ज़्यादा ग्राफिक्स की डिज़ाइनिंग देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब आपको थोड़े स्टिकरिंग और ग्राफिक्स में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और जहाँ अच्छा है, लुक्स काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है ये ग्राफिक्स आपकी बाइक्स का। इंजन टाइप के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको 220cc का सिंगल सिलेंडर DTSI इंजन मिलता है, जिसमें आपको 21 PS एट 8500 RPM का पावर और 19 Nm एट 7000 RPM का इसमें आपको टॉर्क मिलता है, और इसमें आपको जो नंबर ऑफ गियर्स मिलते हैं वो आपको इसमें 5 मिलते हैं। रियर टायर्स की बात की जाए तो रियर में आपको 230mm का डिस्क मिलता है, और इसमें आपको 120x80 के इसमें आपको टायर का साइज मिलता है, आपको जो व्हील साइज मिलता है वो आपको 17 inches का मिलता है। सीट के बारे में बात की जाए तो उसकी दोनों सीटें काफ़ी कंफर्टेबल है, जो राइडर सीट है वही बहुत कंफर्टेबल है, और जो पिलियन सीट है वही बहुत कंफर्टेबल है, और ज़रूरत पड़ने पर 3 लोग को बैठ कर उसको आराम से कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हमारे वीडियो में इसके लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करो, उसको शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। और आप कुछ डाउट्स हैं, अगर आप कुछ क्वेश्चन हैं बजाज पल्सर 220 से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।